हेलो फ्रेंड, दिस इज अमित कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नो हेमंत। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर अपने मेल को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमको कहीं से मेल रिसीव होता है हमारी ईमेल आईडी में, तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं ईमेल से रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मेल ऐप को। तो ये दिया हुआ मेरा मेल ऐप दिया हुआ है जीमेल, तो मैं इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पर लॉगिन होगा वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थ्री लाइंस दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाता है, पहला प्राइमरी का, दूसरा सोशल का, तीसरा प्रमोशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीन प्रकार के यहाँ पर मेल आते हैं जिसको कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। आप चाहें तो अगर आपके में ये इनेबल नहीं है तो सेटिंग पर जाके आप इनेबल कर सकते हैं, ये इनेबल भी कर सकते हैं। तो जितने भी सोशल होते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, उसके जो नोटिफिकेशन होते हैं, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी हर जगह होती है, ठीक है, सभी सोशल मीडिया में हम लोग ईमेल आईडी देते हैं, तो उसके जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके सोशल में आ जाते हैं। प्रमोशन से रिगार्डिंग है कि जैसे कि कोई कंपनी है वो आपको प्रमोट कर, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन में यहाँ पर आ जाते हैं। और प्राइमरी में आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मेल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ एक मेल। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करेंगे तो इसको मेल को हम यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर किसने आपको भेजा हुआ, उसका मेल आईडी क्या है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किसने भेजा वो यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, किस डेट को भेजा तो यहाँ पर डेट दिया हुआ है, टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अटैचमेंट दिया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो एक अटैचमेंट में भेजा गया है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर सीधा गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, फिर तीसरा फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर डाउनलोड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डबल बार क्लिक कर दिया तो वो डाउनलोड के लिए बोल रहा है, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये हमारे गैलरी पर आ गया होगा, गैलरी पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी अटैचमेंट है उसका जो मेल लिखा हुआ वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। रिप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है सबसे नीचे, फिर दूसरा रिप्लाई ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में क्या फ़र्क है, जैसे कि आप यहाँ पर रिप्लाई करना चाहते हैं, जिसने आपको मैसेज भेजा है उसी को रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई कर दीजिएगा। रिप्लाई ऑल का मतलब है कि मेल में आपको CC और BCC का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर अगर किसी को CC में रखा हुआ है या BCC में रखा हुआ है तो आप रिप्लाई ऑल कर देंगे तो वो सभी मैसेज, सभी लोगों को वो मैसेज जाएगा, सभी लोगों को वो मेल जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, अगर आपको फॉरवर्ड करना है इस मेल को तो फॉरवर्ड पर क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर दे सकते हैं कि ऑटो सजेशन आपके रिप्लाई दिए हुए हैं, जैसे कि आप क्लिक कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आपको देना है, जैसे कि सुनील ने मेरे को मेल किया हुआ है, मैं उसको एक्नॉलेज देना चाहता हूँ कि मैंने रिसीव कर लिया, तो यहाँ पर रिसीव थैंक यू पर क्लिक कर दीजिएगा, तो मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मेल आ गया, और यहाँ पर टू किसको भेजना है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ था वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर रिसीव थैंक यू ऑटोमेटिकली मेल लिख के आ गया है। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेंड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिप्लाई है वो हमारा सेंट हो चुका है, यहाँ पर सेंट हो गया। आपको अनडू करना है, अनसेंट करना है तो अनडू का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो आप उसको अनसेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर मेल चेक कर सकते हैं अपने सारे, यहाँ पर आपको सारे मेल आ जाएंगे, जिसको भी आपको देखना है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सोशल का, तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी सोशल के होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रमोशंस पर, मैंने क्लिक किया तो जितने भी प्रमोशंस रिगार्डिंग होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और किसी भी मेल को आप अपने अकॉर्डिंग, आप चाहते हैं यहाँ पर आपको तीन फोल्डर मिल जाते हैं, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के मेल आपके प्रमोशन में आए, किस टाइप के मेल आपके सोशल में आए, और किस टाइप के मेल आपके प्राइमरी में आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैक हो जाता हूँ, जैसे कि ये दिया हुआ है सुनील का। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस मैसेज को सोशल में डालना, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और होल्ड करूँगा, क्लिक और होल्ड करूँगा, फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ऊपर आपको थ्री बटन दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मूव टू, तो मूव टू पर आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल प्रमोशन का ऑप्शन आपका आ जाता है, तो जिस पर भी आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं सोशल पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब से यहाँ पर देख सकते हैं कि मूव टू सोशल, अब हमारा जो मैसेज है वो सोशल में मूव हो चुका है। आप जब भी फ्यूचर में भी
जब सुनील मुझे मैसेज करेगा तो वो भी का सोशल में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।